और दोस्तों अब इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, टाइटल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर एटीएम में दिख जाए माचिस की तीली तो हो जाए सावधान, ऐसे हो रहे हैं बैंक अकाउंट खाली। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, सीरियस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक, क्योंकि दोस्तों ये माचिस की तीली से एटीएम के अंदर जो फ्रॉड हो रहे हैं वो एक दो पाँच दस लोगों के साथ नहीं बल्कि हजारों लोगों के साथ हो चुके हैं, और उनके खाते से जितना भी पैसा था सब कुछ निकाल लिया गया है, जीरो रुपया शेष बचा है। तो ऐसे में अगर आप भी एटीएम से पैसा निकलवाने जाते हैं और आसपास आपको कहीं पर भी माचिस की तीली नजर आ जाती है, तो आपको जरूर इसमें कुछ सिक्योरिटी और टिप्स के सीक्रेट बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में फटाफट से कि अगर आपको माचिस की तीली नजर आ जाए एटीएम से पैसा निकालने जाते समय, एटीएम के अंदर का ही ठेका नहीं दोस्तों, आसपास कहीं पर भी बाहर में भी एटीएम का जो भवन होता है, एटीएम भवन या एटीएम रूम जिसे अपन बोलते हैं, उसके आसपास आपको माचिस नजर आ जाए तो इसमें आपको जरूर अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार साइबर क्राइम की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आजकल हैकिंग जैसी घटनाएं आम होती जा रही है। साइबर क्रिमिनल जो होते हैं रोज नए नए तरीकों से लोगों के बैंक अकाउंट को हैक कर रहे हैं, और हाल ही में हैकिंग के जरिए लूट का एक नया तरीका सामने आया है। हैकर्स एक माचिस की तीली के जरिए लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर रहे हैं। जी हाँ, माचिस की तीली से किया गया एटीएम हैक। दिल्ली में एटीएम फ्रॉड से जुड़ा एक केस सामने आया जहां हैकर्स ने एक माचिस की तीली से पूरे एटीएम को ही हैक कर लिया था। इस हैकिंग का शिकार एक नहीं दो नहीं बल्कि कई लोग हुए हैं। ये एटीएम पंजाब नेशनल बैंक का, और हैकिंग की ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में दोस्तों आपको किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है ये जरूर जान के जाइएगा, वरना ये वीडियो देखा या नहीं देखा बराबर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको फटाफट से इसके सीक्रेट टिप्स बता देता हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों पहले टिप आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कार्ड आराम से न जाए तो चेक करें एटीएम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं और वो आराम से नहीं जा रहा है, कुछ अटक सा रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ध्यान से वहाँ उस खाने को देखिएगा, कहीं छोटा सा कैमरा या माइक्रोचिप तो फिट नहीं की हुई है, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा कैमरा होता है और उसकी मदद से आपके एटीएम के पासवर्ड को कैच कर लिया जाता है और फिर आपके एटीएम की क्लोनिंग करके आपके एटीएम से बैंक खाते से पैसे खाली कर दिए जाते हैं। ऐसे में अगर आप पासवर्ड डालें दोस्तों तो भी इन बातों का ध्यान रखिए, पासवर्ड डालते समय आप हाथ से दूसरे हाथ से ऊपर से ढकें और उसके बाद पासवर्ड डालें। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट टिप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज्यादातर जहां तक हो सके उसी एटीएम का उपयोग करें जो पब्लिक प्लेस में है, यानी कि ऐसे एटीएम का उपयोग ना करें जो बहुत दूर है, कोने कचहरे में, जहां बहुत कम ही लोग जाते हैं, क्योंकि उसी एटीएम पर हैकरों की ज्यादा नजर होती है। जो एटीएम मार्केट के बीच में पब्लिक प्लेस में होते हैं जहां लोगों की आवाजाही बनी रहती है, उसी एटीएम का ज्यादातर उपयोग करें, वहां हैकिंग की संभावनाएं कम रहती है। और हाँ, इसके अलावा भी लास्ट में एटीएम ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होने के बाद आप कैंसिल बटन जरूर दबाएं, वापस होम स्क्रीन आने के बाद ही अपनी एटीएम मशीन छोड़ें। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, अलर्ट रहें, सावधान रहें। और हाँ दोस्तों, हर एक काम की खबर अपने मोबाइल पर तुरंत पाने के लिए नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और साथ ही आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि एटीएम से पैसा निकालते समय हमें और किस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक आइडिया आपका जरूर लिख डालिए इस कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे, बहुत लोगों के काम आएगा। और साथ ही आप जीत पाएंगे डीआर स्विच टीम की तरफ से अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टूल्स, लैपटॉप, गैजेट वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है पीएम मोदी गवर्नमेंट के अंदर ये ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मिल गए होंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।